व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश। रीवा में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने गुड़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रतिभा पाल ने मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सबसे पहले शासकीय प्राथमिक पाठशाला खामहा का निरीक्षण किया। इसके बाद शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रीठी, प्राथमिक पाठशाला बाबा टोला महसाब, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुड़ में बनाए गए पोलिंग बूथ पहुंची। कलेक्टर ने मतदान केंद्रों के निरीक्षण के समय भवन की पुताई कराकर मतदान केंद्र के संबंध में समस्त जानकारियों का लेखन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों में शौचालय ठीक हालत में रहे, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों के आसपास साफ सफाई रखते हुए भवन में मतदान दल के लिए बैठक के लिए आवश्यक फर्नीचर व अन्य जरूरी व्यवस्थाएं रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। भ्रमण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय गुण में बनाए गए निर्वाचन कक्ष का निरीक्षण किया। शिकायत पंजी सहित अन्य रजिस्टर में निर्वाचन से संबंधित जानकारियों के आदान प्रदान आदि की विस्तार से पूछताछ की। कहा कि पुलिस से समन्वय बनाकर कार्य करे। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन में जिन्हें जो दायित्व सौंपे गए हैं उसका वह पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर सौरभ सोनवणी, एसडीएम गुड़ संजय कुमार जैन सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।